हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना क्रिएशन। आज मैं आपके लिए देखिए एक गले का पैटर्न लेके आई हूँ। ये बेसिकली गला हमारा देखिए इस शेप में आता है। पहनने पे जब आप पहनेंगे इसको तो ऐसे शेप में आएगा, गले पे कंगूरे का लुक देगा ऐसे। और ये दोनों साइड से जब आप इसको फुल गले में पहनेंगे तो इस वी शेप में आने पे ऐसे लुक इसका आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। पीछे भी इसका ऐसे ही शेप है, ये देखिए पट्टी बनाते हुए इसको ऐसे वी शेप में कंगूरा बनाते हुए बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो बेसिकली ट्यूटोरियल है ये गले का है, और ये गला आपको कैसे बनाना है और ये हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस गले को बनाना। ये जब आप पहनने पे इसमें जो साइड में गले पे ऐसे जो कंगूरे का लुक आता है ये बहुत खूबसूरत लगता है ऐसे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज हमको ये गला कैसे बनाना है। देखिए, इस गले को बनाने के लिए सबसे पहले जैसे भी आप स्वेटर बना रहे हैं वैसे बनाइए। और जैसे मैंने यहाँ पे इसमें बाजू का शेप किया और अब इस साइड से गले का शेप होगा। तो गले के शेप में चूंकि हमारी केबल के साथ ही इसको घटा रहे हैं, तो इसमें जो फंदे घटेंगे ये हमारे इस साइड पे घटेंगे, जहां पे हमारी केबल खत्म हुई है उसके बाद हम फंदे घटाएंगे और इस साइड से हमको इसका शेप करना है। तो देखिए कैसे हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला फंदा है इसको तो मैंने सिलाई पे लिया, और इसके बाद इसी जो दूसरा फंदा है उसके बगल से जो नीचे वाला फंदा है उसमें से एक फंदा ऐसे लिया और एक हमने इसमें बढ़ा लिया, एक हमारा बढ़ गया, बाकी के फंदे ही हमारे सारे सेम हो जाएंगे। ये हम जैसे भी आप अपनी बिनाई डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलिए। हमने यहाँ पे केबल पूरा ऊपर तक हमारे इसमें जाएगी, तो केबल बनाते हुए हम इस गले का शेप कर रहे हैं। तो ये केबल बनाई, जैसे केबल बना रहे हैं इसको केबल बनाई। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे यहां तक तो डिजाइन हो गई। डिजाइन के बाद ये यहाँ पे अब यहाँ पे हम दो फंदों का एक करेंगे, यानी कि इस गले का शेप बनाने के लिए मैंने एक फंदा इस साइड पे बढ़ाया, ये तो हमारा बढ़ के कंगूरा बनेगा और इस साइड से हमारे गले का शेप होगा। बाकी फंदे हमारे सब नॉर्मल चलेंगे, ये सिलाई सीधी पूरी चलते हुए नॉर्मल हमको यहां तक उल्टा आना है इसमें। ये हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हुई, और जब हम सीधी सिलाई में आते हैं तो फिर मैंने यहाँ पे पहला फंदा उतारा और दूसरा फंदा जो हमारा है इसी के बगल से एक फंदे को ऐसे नीचे से लेते हुए इसको फिर एक बढ़ाया, यानी कि हमारे अब यहाँ पे दो फंदे बढ़ गए। ये दो बढ़ गए और इस साइड से हम फिर एक घटाएंगे। इसी तरह हमको टोटल ये पांच फंदे यहाँ पे बढ़ाने हैं। जैसे अभी दो बढ़ा है, फिर इसकी नेक्स्ट सिलाई में आएंगे तीसरा बढ़ाएंगे, फिर चार और पांच, पांच फंदे इस साइड पे हम बढ़ाएंगे। ये हमारी केबल यहाँ पे पलटनी है गले पे, तो इधर से मैंने केबल पलटी। जब भी आप फंदा घटाइए तो गले का, तो ये केबल के बाद से घटेगा, तो हमारी केबल पूरी गले में पूरी ऊपर तक गले के बाद में जाएगी ऊपर तक। ये उल्टा हो गया और इसके बाद फिर एक फंदा घटाएंगे। ये घटाने वाले फंदे जो हैं हम जो है चार फंदे, एक जैसे एक घटाया दो घटाया, हर सिलाई पे चार बार घटाएंगे, एक एक फंदा करके चार बार घटाएंगे
और उसके बाद हर तीसरी सिलाई पे एक एक फंदा घटाएंगे पूरा ऊपर तक, जहां तक हमारे फंदे चलेंगे ऊपर तक हम इनको घटाएंगे, और ये बढ़ाने हैं हमको 5 फंदे। पूरी सिलाई हमारी उल्टी चलेगी जैसी बिनाई के अकॉर्डिंग चल रही हो। ये साइड की पट्टी बनाते हुए हमें बिनना है इसको। देखिए अब हम नेक्स्ट सिलाई में आ गए, तो अब फिर एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे। हमारा तीसरा फंदा बढ़ रहा है, तो हमारे यहाँ फंदे हो गए टोटल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 फंदे हमारे हो गए। 9 फंदे से मैंने स्टार्ट करी थी, 9 फंदे की पट्टी थी, 10, 11, 12, 3 फंदे हमारे इसमें बढ़ गए। अभी दो, इसी तरह 2 फंदे हमें और बढ़ाने हैं इसमें। एक ये फंदे आप इतना ध्यान रखिए, जब पट्टी ये वाली बना रहे हैं तो इसमें आपको ये गले की जो पट्टी बन रही है इसको थोड़ा टाइट बिनना है। थोड़े टाइट हाथों से पट्टी बनाइए, उसके बाद साइड का जैसे आप बिन रहे हैं वैसे बिनिए, मगर पट्टी थोड़ी टाइट बनेगी, वरना ये थोड़ा लूज हो जाएगी, तो फिर वो पहनने पे भी नहीं अच्छी लगेगी और देखने में भी खराब लगेगी। तो एक फंदा और हम इसमें भी गले का 2 घटाए हैं, तीसरा घटाया है। इसके बाद नेक्स्ट सिलाई में आएंगे तो हम नहीं घटाएंगे और फिर उसके बाद वाली सिलाई में घटाएंगे, यानी कि हर तीसरी सिलाई में हमको गले का शेप करना है और बाकी के फंदे ये उसी हिसाब से चलेंगे बिनाई के हिसाब से। फिर ये हमारी पूरी सिलाई उल्टी बिननी है। ये जब आप ये वाले फंदे जो पट्टी हम बिन रहे हैं तो इनको थोड़ा हल्का सा टाइट करते हुए बिनना है। इतना सा आपको ध्यान रखना है इस गले को, इस डिजाइन का गला बनाने के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि ये फंदे थोड़ा टाइट बिने। ये उल्टी सिलाई होने के बाद सीधी सिलाई में जब हम आए, फिर इसमें एक फंदा फिर बढ़ाया, और पूरा गले के हिसाब से बनाया। तो ये देखिए हमारा बढ़ रहा है, तो हमारा ये इस शेप में ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ आ रहा है। इस साइड को हमारे ये फंदे बढ़ रहे हैं। ये पूरा बिना, और इसके बाद अब गले में जो फंदा हम घटा रहे हैं इस साइड पे नहीं घटाएंगे, इसके बाद तीसरी सिलाई पे गले का फंदा एक घटाएंगे, और इसी तरह गले का हर तीसरी सिलाई पे एक एक फंदा हमें घटाते हुए ऊपर तक इसको बनाना है। तो ये पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट सिलाई में आके आगे इसको बताते हैं। ये हमारे यहां से मैंने फंदे बढ़ाए और ये हमारे 14 फंदे हो गए, और ये हमें एक फंदा और इसमें लास्ट का बढ़ाना है। ये हमको इसमें सिर्फ 5 फंदे बढ़ाने थे, कि हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। और सीधी सिलाई में आए तो यहाँ पे हमारे फंदे 9 फंदे की पट्टी थी यहाँ पे वाली, और हमने बढ़ा के फंदे 15 की, यानी कि हमारे 6 फंदे बढ़ गए। और अब इन फंदों को हमें बंद करना है, ये हम पूरे यहाँ पे बंद करेंगे। 1, 2, 3, 4 लास्ट के 7 फंदे हम छोड़ेंगे, बाकी के फंदे हम ये बंद कर देंगे पट्टी के फंदे।
एक दो तीन चार पांच छह सात। और ये एक घटाया, और ये इसके बाद ही हमारे टोटल एक दो तीन चार पांच छः और ये सात, सात फंदे पट्टी के बचे हैं। ये सात फंदे हमारे पट्टी के बचे हैं, इनको हमें ऐसे ही बिनना है। और अब जब हम नेक्स्ट सिलाई में आएंगे फिर ये फंदे बढ़ाएंगे, और फंदे अब बढ़ाने हैं हमको इसमें कुल, ये सात फंदे हैं तो हमको इसको बढ़ाते हुए 13 फंदे करने हैं। ये 13 फंदे करेंगे और घटाएंगे तो सात फंदे बचाएंगे, यानी कि हमको इसमें जो है 6 फंदे बढ़ाने हैं और 6 फंदे घटाने हैं। ये फंदे हमें हमेशा साथ ही रखने हैं। इसी तरीके से इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे ऊपर तक। ये 7 फंदे से हमारे यहाँ पे मैंने बचाए थे, फिर मैंने इनको बढ़ाते हुए ये 13 फंदे करे। और एक बार और मैं इसको घटाना बता रही हूं, उसके बाद फिर इसको आप ऊपर तक इसको ऐसे ही बिनना है। ये 13 फंदे होने के बाद आप इनमें 6 फंदे घटा देंगे तो फिर हमारे 7 के 7 बचेंगे। देखिए, एक घटाया, दो, तीन, चार, पांच, छः, और ये छः, 6 फंदे घटा लिए तो हमारे यहाँ पे फिर एक तो ये फंदा बचा, एक दो तीन चार पांच छः, और ये 7 फंदे पट्टी के बचे। तो इसी तरह से देखिए, इसमें अब जो ये शेप आया हमको इसी तरह से बनाना है। 7 यहाँ पे करने हैं पट्टी के, ये 7 हमारे पट्टी के फंदे हो जाएंगे, और इनको बढ़ाते हुए 13 करने हैं, फिर ये घटा के 6 लाने हैं। तो नीचे का ये वाला पोर्शन तो हमारा बड़ा रहेगा, मगर ये सारे पोर्शन एक जैसे आएंगे। तो जब गला हमारा बंद होगा तो ये हमारा इसमें ऐसे लुक आएगा। तो इसी तरीके से इसको हम अपने जितना शोल्डर की हमारी ऊपर तक लंबाई जाएगी उतना ये जो बाजू की कटिंग हम जो करते हैं इसकी जो लंबाई हमारी जाएगी लगभग 6.5 से 7 इंच तक करना है, तो उतना ही बड़ा हमको ये गला बनाना है। तो इसको ऊपर तक बनाते हुए हम ऐसे ही जाएंगे। ये देखिए, इसको पूरा मैंने ऐसे कंप्लीट किया, और इसमें ये एक दो तीन चार और ये पांच, पांच कंगूरे ऐसे बन के आए इसमें गले के। और इसकी जो देखिए ऐसे इसका फाइनल लुक हमारा जो बन के आता है वो ऐसे आता है, ये देखिए ऐसे। तो इसी तरीके से अब इसका हम सेकेंड पार्ट भी तैयार करेंगे, और ये जो है फंदे इनको शोल्डर में अटैच कराएंगे। ये इसका बैक पार्ट है, और बैक पार्ट में हम शोल्डर को ऐसे अटैच कराएंगे। जब इसको अटैच कराएंगे तो यहां से जब स्टार्ट करेंगे तो ये जो हमारे पट्टी के फंदे हैं, जो हमारे इसमें 7 फंदे बचे हैं, 7, इन 7 फंदों को छोड़ के यहां से यहां तक इतने फंदों को हम पूरा अटैच कराएंगे। ये 18 फंदे हमारे जो इसमें बचेंगे इनको हम इसमें ऐसे ऐसे ज्वाइंट करेंगे, जैसे ऑलरेडी पहले स्वेटर को अटैच करना बता चुके हैं वैसे ही इसको अटैच करेंगे। ये देखिए, हमारे सारे फंदे अटैच हो गए, और इधर के 6 और 1 7, 7 फंदे जो हमारे पट्टी के हैं इनको हमने रोक रखे हैं।
इन फंदों को ऐसे ही रोकेंगे और ये यहां से यहां तक के फंदे सारे उतार देंगे सेकेंड पार्ट अटैच कराने के लिए। तो ये हमारे जो बैक के फंदे हैं इनको हम ऐसे ही उतारते हुए जाएंगे पूरे, इनको ऐसे ही पूरे बंद कर देंगे और जब सेकेंड पार्ट अटैच कराएंगे इसका दूसरी साइड का, तो वो जितने फंदे हमारे शोल्डर में हैं उतने हमको रोक के बाकी के फंदे ये सारे उतारने हैं। ये देखिए दोनों पार्ट के इसमें शोल्डर हमने ऐसे अटैच कराए, ये ऐसे, और ये फंदे जो सात फंदे हमने पट्टी के रोके हैं इनसे हमको ऐसे ही पट्टी बनानी है जैसे हमने यहां से स्टार्ट किया। ये सात फंदे हैं, इनको बिनेंगे, पहले एक बार बढ़ाएंगे और फिर इसको घटाएंगे। देखिए ऐसे बनते हुए आएगा ये, इन सात फंदों से ऐसे यही शेप हम बनाएंगे और इसको हमको इतना बिनना है कि हमारा बैक पार्ट का जो पोर्शन है इसमें ऐसे हाफ, जहां तक हमारा ये आधा पोर्शन होता है ऐसे इसको हम नापेंगे ऐसे, और यहां तक इतना बड़ा यानी कि जो हमारा इसका आधा पार्ट आएगा वहां तक हम इसको अटैच कराना है, तो इतना हम इसको बिनना है। तो देखिए हमारा एक साइड से ये कंप्लीट हो गया है और ये हमारे यहाँ पे सात फंदे बचे हुए हैं, तब हमने इसमें दो कंगूरे बना के इसको रोक दिया। इसी तरीके से इस साइड का भी बना के इसमें हम इसको अटैच कराएंगे। ये देखिए दोनों साइड से हमारी पट्टी ऐसे बन के आई, दो हमारे जो है कंगूरे इस पट्टी पे बनाए मैंने और दो ये हमने इस साइड पे बनाए। अब इन दोनों पट्टियों को ऐसे पकड़ के जैसे शोल्डर अटैच कराते हैं ऐसे अटैच कराते हुए इनको जोड़ना है। इसको आप जब भी जोड़िए ध्यान रखिए कि जो सीधा हमारा जो ऐसे जुड़ेगा कि जो हमारा जो ज्वाइंट जो है जब हम इसको जोड़ेंगे अंदर साइड से आए तो, और दोनों गले एक ही साइड पे हो, वरना कभी कभी जल्दी में हमारा ये गलत भी जुड़ जाता है। तो इसको हम शोल्डर की तरह इसको अटैच कराएंगे, एक फंदा पहली सिलाई से और दूसरा फंदा दूसरी सिलाई से लेते हुए इसको जोड़ेंगे। ये हमारा ऐसे ही है जुड़ गया। ये उन इस साइड पे इन दोनों को गांठ लगाते हुए ये वाला हिस्सा इसमें पूरा सिलेंगे, जो हमने पट्टी बनाई है इसको बैक पार्ट में ऐसे अटैच कराएंगे। ये देखिए जो हमारा ये गला बन के आया वो पूरा ऐसे कंप्लीट होके आया, ये पूरा जो है कंगूरा जो इसमें बहनने पे ही हमारा ऐसे दिखता है नीचे से, आप देखिए इसमें जब दिखेगा ऐसे गले पे इसका शेप आएगा तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है पहनने पे। तो फ्रेंड्स ये हमारा देखिए कितना भी आसान था, बनाने में भी कितना इजी वे में था, और इसमें जो मैंने केबल डाला हुआ है ये केबल नीचे से बनाते हुए पूरा ऊपर तक गया हुआ है, तो इससे गले का लुक और ही खूबसूरत आ गया है। ये पीछे इसका पूरा बैक में भी ऐसे इसका शेप आया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये गले का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।